उत्पत्ति अध्याय 30, उत्पत्ति अध्याय 30। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोस तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी लौंडी बिल्ला हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तो उसने उसे अपनी लौंडी बिल्ला को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया और बिल्ला गर्भवती हुई, और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राहेल की लौंडी बिल्ला फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई, सो उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जन्म देने से रहित हो गई हूं, तब उसने अपनी लौंडी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया, और लिया की लौंडी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की लौंडी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रिया मुझे धन्य कहेगी, सो उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दुदा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दुदा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, सो क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दुदा फल भी लेने चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दुदा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सो सांझ को जब याकूब मैदान से आ गया, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दुदा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सो गया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, सो वह गर्भवती हुई और याकूब से उसको पांचवा पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी लौंडी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी, सो उसने उसका नाम इसाकार रखा। और फिर लिया गर्भवती हुई और याकूब से उसके छठवा पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, सो उसने उसका नाम जुबलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, सो वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, सो उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और अपने स्थान को जाऊं, मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के बाले जितने के लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं, सो तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि
कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे तो आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ व बकरी चित्ती वाली व चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी व चित्ती वाली हो, उसे मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, सो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेंगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। सो उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था उनको, और सब काली भेड़ों को भी अलग अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया, और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। सो याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा, और याकूब ने चनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छिलके उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी, और तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों पर खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई, और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया, और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उसने अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखते हुए गाभिन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था, इससे निर्बल निर्बल लाबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और लौंडियां और दास और ऊंट और गधे हो गए।